देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। देहरादून की राजपुर विधानसभा में कांग्रेस लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार के लिए स्थानीय पार्षद अर्जुन सोनकर के नेतृत्व में आज स्थानीय मातृशक्ति व युवाओं से जनसंपर्क किया गया, जहां पार्षद अर्जुन सोनकर ने साफ किया कि यह चुनाव अब फर्जी विकास और असली विकास के मध्य आ खड़ा हुआ है, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित विधानसभा के प्रत्येक नागरिक को जी जान से जुटकर राजकुमार को जिताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तो उनकी इस बस्ती का विकास तभी हो पाया था, कई विकास योजनाएं हमारी बस्ती में आई थी मगर अब विकास ठप पड़ गया है। साथ ही भाजपा के विधायक खजान दास कभी इस बस्ती को देखने तक नहीं आते और फर्जी विकास के दावे करते रहते हैं, अब की बार जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। विधानसभा का भविष्य तो जनता ने भी देख लिया है और जनता ने मन बना लिया है कि पूर्व में पार्षद जो यहाँ पे थी, पूर्व में विधायक जो थे, उनका भी काम यहाँ पे देख लिया था 35 साल से लोगों ने, और हमारा भी काम देख लिया। पूर्व में रहे हमारे विधायक राजकुमार जी का भी काम लोगों ने देखा है और वर्तमान में विधायक का भी कार्यकाल 5 साल झेला है, लोगों ने देखा है। तो अब जनता ने मन बना लिया यहाँ पे इस विधानसभा के अंदर खास तौर पे कि राजकुमार को भारी मतों से जीता के लेके आना है। उन्होंने जो किया था वो एक लहर थी, चलो जीतता तो दिया था लोगों ने। जिस विधायक को अपने क्षेत्र का ही नहीं पता, क्षेत्र में कौन सी जगह काम बुला रहा आदमी उसको यही नहीं पता तो क्या करता वो, उसे 5 साल लोगों को बीच में नहीं रहा। क्षेत्र के लोग बहुत परेशान थे, बिजली पानी सड़क ये सब व्यवस्था करनी चाहिए थी उन्होंने क्षेत्र के लिए। हमारा जो क्षेत्र है स्मार्ट सिटी के तहत आना चाहिए था, स्मार्ट सिटी में पैसा दुनिया भर का उन्होंने कहाँ लगाया क्या, हर जनता पूछ रही है और जवाब देने नहीं बन रहा उन लोगों से जो क्षेत्र के अंदर वो लोग जा रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि अब 5 साल कहाँ थे, जो उनके कार्यकर्ता थे उन पर रोज लोगों का इतना जा रहा है, तो उसका फ़ायदा राजकुमार जी को मिल रहा है और राजकुमार इस जगह से इस विधानसभा से जीत करके जाएंगे और यहाँ का और चौमुखी विकास करेंगे, यही अपेक्षा हमारे क्षेत्र के लोगों की है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राजपुर विधानसभा के वर्तमान कांग्रेस से प्रत्याशी राजकुमार ने माताओं बहनों से कांग्रेस को विजय बनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 500 रुपए से ऊपर सिलेंडर महंगा नहीं होने देगी, सभी को सस्ते गल्लों की दुकानों पर कैरोसिन से लेकर चीनी तक मिल सकेगी। राजकुमार ने राजपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक रहे खजान दास से लेकर प्रदेश की डबल इंजन सरकार को जमकर लताड़ा। राजकुमार ने आरोप लगाया कि सरकार ने कांग्रेस द्वारा गरीबों के लिए खोले गए सस्ते दामों में भोजन हेतु अम्मा भोजनालय तक बंद करा दिए, जो पेंशन हमने शुरू की थी वह भी सरकार ने बंद कर दी। साथ ही कहा कि जब हम सत्ता में वापसी करेंगे तो इन सभी को सुचारू रूप से दोबारा शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने स्थानीय नागरिकों से अपने लिए वोट की मांग की। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए दीप मैठाणी की रिपोर्ट। लोग परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी से और महंगाई से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, बिल्कुल महंगाई 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम रोजगार दूर करेंगे, नवयुवकों को बेरोजगारों को नौकरी देंगे, लेकिन कहीं भी नहीं हो पाया है। आपने मलिन बस्तियों का वादा करा था कि मलिन बस्तियों में मालिकाना हक देंगे, मालिकाना हक नहीं दे पाए। आपने कहा था हम सीवर लाइन डालेंगे, नदी पिंडाल के किनारे डेवलप करेंगे, साफ करेंगे, किसी कंपनी बरसात में लगातार बाढ़ आ जाती है उनकी सुरक्षा के लिए पुश्ते बनाएंगे, कहीं पे भी नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ महिलाओं के जो काम चल रहे थे, हमारी समूह के जो काम चल रहे थे इंदिरा अम्मा कैंटीन, उनको बंद करने का प्रयास किया है। गरीब निर्धन और सामान्य वर्ग के लोगों को जो सस्ता खाना हम उपलब्ध कराते थे 20 रुपये में थाली, उन्होंने उसको बंद कर दिया गया है। जो हम सस्ता अनाज 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो गेहूँ चावल देते थे उन्होंने उसको बंद कर दिया गया। उन्होंने चीनी बंद कर दी, उन्होंने मिट्टी का तेल बंद कर दिया है। और हम जो गरीब अनुसूचित जाति की बच्ची के लिए शादी के लिए 1 लाख रुपए देते थे उन्होंने उसको बंद कर दिया। बच्ची पैदा होती थी हम 15,000 देते थे, उन्होंने उसको बंद कर दिया। किसी बहन के पति की डेथ हो जाती थी तो हम 50,000 रुपये अनुदान देते थे, उन्होंने उसको बंद कर दिया गया। तो ऐसी सरकार को सब लोग तंग आ चुके हैं। महिलाओं तो इतनी परेशान है रसोई से कि गैस सिलेंडर 350 रुपये का 365 का था, आज 1,000 रुपये का चला गया। सरसों का तेल महंगा हो गया। ऐसे करते करते सारी महंगाई इन्होंने
कर दी है, लोग त्रस्त हैं और बहुत जल्दी 2022 में इनको जवाब देने वाले हैं, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।